ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 77 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 380 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने दो वक्त-वक्त मामलों के विच चार नशा तस्करों को गिरफ्तार करने विच सफलता हासिल की है। पुलिस ने उन्हां कोलों 77 किलो हीरोइन ते 3 पिस्टल भी बरामद किए। इस हीरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार के विच कीमत 380 करोड़ रुपए दसी जा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट करके यह जानकारी साझी की है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव के मुताबिक पुलिस की टीम ने फिरोजपुर के विच दो थावां ते ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत एक थान तो 41 किलो हीरोइन 3 पिस्टल ते 2 नशा तस्करों गिरफ्तार किया गया जबकि दूजी थान ते चलाए गए ऑपरेशन के दौरान 36 किलो हीरोइन ते 2 नशा तस्करों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के विच 2 फिरोजपुर ते 2 फरीदकोट के रहने वाले वसनीक दसे जा रहे हैं। पुलिस के वालों इस मामले की तफ्तीश की जा रही है कि हीरोइन सरहद पार पाकिस्तान तो आई है या फिर किसी और थान तो आई है। ये साढ़े को बॉर्डर एरिया के एक इनपुट आई सी अकॉर्डिंगली असी एक्ट अपॉल करते हुए एक दो बंद ने कॉपी किया जे जिन्हों एक बंदा महारकुंदा फाजिलका तो दूजा बारे के फिरोजपुर का रहने वाला उन्होंने को कल साढ़े पार्टी वालों साढ़े वालों असी 40 किलो हैरन कब्जे च ली है तो दोनों काबू किया उन्होंने 3 पिस्टल भी है जिद 2 9mm तो एक 30 बोर का पिस्टल है तो 115 के करीब राउंड है लाइव कटेज है वो सैकेंड इनपुट सी जिदे आधार पर असी रात को कार्रवाई करते हुए सवेरे उन्हों तो बंद तो 36 किलो हैरन काबू की है जिद फरीदकोट के रहने वाले दो जवान है जगजीत तो एक जसपिंदर हैगा असी उन्होंने काबू किया जिद 36 किलो हैरन असी उन्होंने काबू करके वह वक्रा पर्चा लेते दैट इज़ पार्ट ऑफ इनवैसटीगेशन नैचुरली यह तो है ही है कि बट फिर भी असी यदा फॉरवर्ड के बैकवर्ड लिंक चैक कर रहे हैं जो भी तफ्तीश के दौरान सामने आएगा फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके बनती कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजमान तो फिलहाल पूछगिछ की जा रही है कि हीरोइन की खेप वह कितों लिया ने इसका संबंध किना लोगों के नाल है इसकी तफ्तीश की जा रही है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने वीडियो संदेश जारी करके यह जानकारी साझी की है कि फिरोजपुर काउंटर इंटैलीजेंस ने दो वक्त-वक्त मामलों के विच कार्रवाई करते हुए 77 किलो हैरोइन सने 3 पिस्तौल भी बरामद कीतियां हैं ते 4 नशा तस्करों भी काबू किया है। पंजाब पुलिस नू अपनी ऑनगोइंग वॉर ऑन ड्रग्स दे विच एक वड्डी सफलता अज प्राप्त हुई जदों की काउंटर इंटैलीजेंस फिरोजपुर यूनिट ने दो सैपरेट NDPS एक्ट के FIRs दर्ज करके नारको टैरर मोड्यूल्स बस्ट किए हैं। 77 किलो हैरोइन 3 पिस्टल्स रिकवर करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। AIG काउंटर इंटैलीजेंस लखबीर सिंह के अंडर इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग। इन दोवे मोड्यूल्स के फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस नू पता करके टोटली एक्सपोज किया जाऊगा तो सारे व्यक्तियों नू अरेस्ट किया जाऊगा। पंजाब पुलिस एक सिस्टमैटिक ते मेटिकुलस तरीके नाल सप्लाई साइड ते डिमांड साइड ते ड्रग्स के खिलाफ एक जंग जारी रख रही है जिहड़ी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत मान के निर्देशों अनुसार पंजाब दे विच्चों ड्रग्स नू जड़ मूल तो खत्म कर देने का टीचा हैगा। सो इस दे विच बिग फिश जिहड़े वड्डे तस्कर हैगे उन्हां ते नकेल कसी गई हैगी। ड्रग स्मगलर्स की प्रॉपर्टियां जब्त कराई जा रही हैगी। जिहड़े पेडलर्स हैगे जिहड़े पिंडां दे विच मोहल्लियां दे विच ड्रग्स वेचते हैं उन्हां ते कार्रवाई की जा रही है। इस दे नाल नाल लोकां नू साथ लैके वी विल रीच आउट टू द पीपल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस टोटली कमिटेड हैगी पंजाब नू ड्रग फ्री बनाने लई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन ते फिलौर जंक्शन स्टेशन के नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया। जलंधर की तमाम भाजपा लीडरशिप इस मौके मौजूद सी ते जलंधर तो सांसद सुशील रिंकू ते आप कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ते जलंधर तो होर भी कई आगू शमूलियत करते नजर आए।
जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन ते फिलौर जंक्शन रेलवे स्टेशन ते नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया। इस मौके ते आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू, कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ते जलंधर तो भाजपा की तमाम लीडरशिप भी मौजूद रही। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर ते फिलौर स्टेशन के नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर समागम दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सांसद सुशील रिंकू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि पहले फेज के जलंधर कैंट के फिलौर के रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का तोहफा दिया गया है। जल्द ही दूजे फेज के जलंधर शहर के स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा। अज अमृत स्टेशन योजना के अधीन पूरे भारत के वख-वख थावां दे उत्ते जिहड़े रेलवे स्टेशन है उन्हां नूं अपग्रेड करन दा जिहड़ा प्रधानमंत्री साहब ने उद्घाटन किया, उस लड़ी दे विच पंजाब दे विच 22 स्टेशन और जलंधर लोक सभा दे विच जलंधर कैंट और फलोर का जिहड़ा स्टेशन है उन्हूं अपग्रेड करन दा अज विधिपूर्वक जिहड़ा उद्घाटन किया गया। और मैनूं इस गल की बहुत खुशी है और साडे नाल साडे पंजाब सरकार दे मंत्री सरदार बलकार सिंह जी, क्योंकि अज मुख्यमंत्री साहब ने भी चेचे तौर पर इस प्रोग्राम में शमूलीयत करनी ही और उन्होंने वालों माननीय साढ़े मंत्री साहब है जिहड़े उन्होंने हाजिरी है जिहड़ी मुख्यमंत्री साहब की उन्होंने लगाई है। सो मैं अपने वालों और पूरी सरकार वालों सारे जलंधर के निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना, क्योंकि रेलवे स्टेशन है जिहड़ा किसी भी शहर की जिहड़ी सुंदरता दे विच बहुत वड्डा उहदा जिहड़ा अहम रोल हुंदा। सो अज जिहड़ा नवां रेलवे स्टेशन बनिया अमृत स्टेशन योजना का जिहड़ा फस्ट फेस है उहदे विच बनिया और सैकंड फेज दे विच जलंधर शहर का जिहड़ा रेलवे स्टेशन है उहदा भी जिहड़ा निर्माण कर रहे अगले फेज दे विच शुरू होएगा। सो मैं अपने वालों अपने पूरी सरकार वालों सारे जलंधर के निवासियों बहुत बहुत मुबारकबाद देना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया है, जिन्हों के जलंधर कैंट का रेलवे स्टेशन ते फिलौर के रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। जल्द ही जलंधर शहर के स्टेशन का नवीनीकरण भी किया जाएगा। लुधियाना दे विच CICU दी महिला विंग दे वल्लों वातावरण नूं साफ सुथरा रखण दे लई माइक्रो फॉरेस्ट दी शुरुआत की गई। इस दा मुख मकसद विधायक ते MLA गोगी ने भी दस्या वा। लुधियाना दे विच वातावरण नूं बचाउण दे लई माइक्रो फॉरेस्ट दी शुरुआत की गई है। इस दी शुरुआत CICU दी महिला विंग दे वल्लों की गई। इस मौके ते विधायक गुरप्रीत गोगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक गुरप्रीत गोगी ने कहा कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का पद्धर लगातार डिगदा जा रहा है। इसके तहत इस मुहिम की शुरुआत की जा चुकी है। इसका मुख्य मकसद लुधियाना को खूबसूरत बनाने के नाल वातावरण की सुरक्षा करना भी है। आज बड़ा एक खुशी वाला दिन है कि एक माइक्रो एक असि लंग्स बैंक जो लोगों लुधियानवी दे जा रहे हैं। कम से कम तुहाडे माध्यम से यही बेनती करांगा सारे लुधियानवी पंजाब के लोगों कृपा करके ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। 2 ਲਾਓ, 5 ਲਾਓ, ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਪੌਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੇਜਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮਾਈਕਰੋ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫੋਰ ਵੁਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਓ, 20 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਬੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਲਿਊਟਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀਵ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जगराओ पुलिस ने किसान दे कतल करन वाले 3 मुलजमान नूं गिरफ्तार कर लिया है। जगराओ दे पिंड मलसिया बाजन दे रहण वाले किसान रिशम सिंह दी कुछ दिन पहला हत्या की गई सी।
ते पुलिस ने इस अन्य कतल की गुत्थी सुलझा लिया है। इस बारे जानकारी देते हुए नवनीत सिंह ने दसा कि गिरफ्तार किए गए मुलजमान तो एक हथियार मोबाइल से एक बाइक भी बरामद की गई है। उन्होंने दसा कि मृतक रेशम सिंह का कतल करने वाला गुरजीत सिंह की पत्नी के नाल नजायज संबंध रखता सी, जिसके चलते हुए उन्होंने वालों यह कतल किया गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या करने वाले तिना मुलजमान गिरफ्तार कर लिया है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। पंजाब एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन च इन्ना ही। सत श्री अकाल जी।